द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अ टाइगर इज शोन इन दिस पॉइम वॉट इज हिज नेचुरल हैबिटेट वेयर शुड ही लिव एंड वेयर इज ही लिविंग आई मीन टू सेज लॉग्ड इन द केस एक चिड़ियाघर के पिंजड़े में बंद है टाइगर उसकी कंडीशन इस पोईम में दिखाई गई है इट इज़ ऑल्सो शोन इन दिस पोइम दैट अ क्रिएचर हु लिव्स इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज ऑलवेज हैप्पी ही और शी दैट क्रिएचर आई वुड से यू नो लिव्स इट्स लाइफ फ्रीली विद फ्रीडम एंड gets a lot of pleasure but when that is logged that is transferred transmitted to a place that is not his its natural habitat it means then the creature feels very bad द टाइगर पेसिज अप एंड डाउन इन इज केस अपने पिंजरे में इधर से उधर चल रहा है ही इज हेल्पलेस एक्चुअली ही इज फुल ऑफ रेग वट इज क्वाइट इन इज हेल्पलेसनेस गुस्से में है उसको जो द प्लेस डेट इज प्रोवाइडेड टू हेम इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर जो प्लेस उसको प्रोवाइड किया गया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है दैट इज़ नॉट इज नेचुरल हैबिटेड सो ही इज इन रेग ही इज़ एंग्री बट ही इज़ हेल्पलेस ही कैन नॉट डू एनी थिंग इन द केस द बार्स उन सलाखों के पीछे उस केस में उस यू नो you know, पिंजरे में वो कुछ भी नहीं कर सकता हेल्पलेस कुछ भी नहीं कर सकता

should have been and stealthily slowly slowly moving towards uh, his you know uh, uh, prey of hunt he should move should have been you know moved in the long grass stealthily towards the butter पूल, र डियर कम डियर्स कम टू ड्रिंक द वाटर उस तालाब के पास जहाँ पर हिरन पानी पीने आते हैं उस तालाब की तरफ हिरन की तरफ धीरे धीरे चोरी चोरी स्लोली स्लोली इन द लॉन्ग ग्रास इन सैडोज छाया में लॉन्ग ग्रास में लंब लंबी लंबी घास में देखा आपने टाइगर कैसे अपने Uh, जो शिकार होता है उस पर झपटता है धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है और आगे जाके ही अपने जो ऑब्जेक्टिव उसका जो एम होता है उस पर जो है अटैक कर देता है तो इज सेंग ही शुड हैिन देयर उससे वहाँ होना चाहिए था उस शेर की तरफ बढ़ना चाहिए था लॉन्ग ग्रास में होना चाहिए था चोरी से बट अनफॉर्चुनेटली ही इज लॉक्ड इन द केज ही इज देयर बिहाइंड द वार्स सलाखों के पीछे है वो इज इन द कॉन्क्रीट सेल पत्थर की बड़ी बड़ी बनी हुई सेल के पीछे है वो दीवारों के पीछे है उसे चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रखा गया है जो अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए था जो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है तो यू नो कंडीशन पैथेटिक कंडीशन ऑफ द टाइगर इज शोन इन दिस पॉइंट बट सैडली इज लॉक्ड बिहाइंड वार्स इन कॉन्क्रीट केज

उनको मार देता उनका शिकार कर देता बट हेल्पलेसली ही इज नॉट एबल टू डू एनी सच टाइप ऑफ एक्शन बिकॉज ही इज केज इज लॉक्ड इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहा तो वो उनको ओवरलोड करता बिस्टर्स पे कोई एक्शन नहीं दिखाता एंड लुक सैडली एट द ब्रियंट स्टार्स विद ब्रिलियंट आइज ही इज लुकिंग द स्टार्स इन द स्काई इट माइट बी पॉसिबल दैट इज थिंकिंग

आपके जो स्टार्स हैं वो ऊपर हैं तो उसको देख रहा है वो दुखी हो के कि आप लोग तो बिल्कुल चमक रहे हैं क्यों चमक रहे हैं वाई आर द स्टार शाइनिंग बिकॉज दे आर फ्री दे आर लिविंग दे आर शाइनिंग दे आर स्पेंडिंग देयर आर लाइफ यू नो दे आर नेचुरल हैबिटेट अपने प्राकृतिक नैसर्गिक जगह पर वो हैं जबकि ये जंगल में नहीं है केज में है एक पिंजरे में है ओके okay?

बट ये कुछ नहीं कर पा रहा है वो फ्री बिकॉज यू नो यू नो फ्री एंड लुक्स लुक्सुई एट स्टार्स एंड सेड एट इज इंप्रेजनमेंट अपना जो उसका इम्प्रिजनमेंट है जो वो जेल में एक तरह से पड़ा हुआ है वो जो पिंजरे में पड़ा हुआ है उस पर वो दुर्भाग्यवश कोस रहा है उसको पसंद नहीं है वो चीज खुश नहीं है उसको कहां होना चाहिए तो कहां है तो बहुत दुखी इज वेरी सैड ऑन हिज इम्प्रिजनमेंट ही इज मिसिंग हिज नेचुरल हैबिटेट ऑल ऑफ हिज यू नो स्टॉप्ड कुछ उसने एक्शन लोगों पे दहाड़ना उनको अटैक करना सब कुछ छोड़ दिया इवन इट माइट बी पॉसिबल इफ द पेट्रोलिंग कार्स दैट यू नो यूज टू पास थ्रू द जंगल ही शुड है जो पेट्रोलिंग कार्स वहाँ से निकलती थी निकलती हैं जो जंगल से तो उन पर वो दहाड़ता उन कारों को रोकता उन पर अटैक करता पेट्रोलिंग कार्स जो भी वहाँ से भी जाती बट अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा है कोई साउंड नहीं कर पा रहा है जब वो उनको देखता अगर जंगल में होता तो वो ऐसा करता है द हाउसेज देट आर नियर द जंगल जो जंगल के पास नियर बाई द एरिया उन हाउसेस के पास से अगर वो गुजरता तो लोग मिलते तो उनको वो नो you know, अपने पंजों से विदिस जॉज क्लॉज अपने पंजों से अपने यू you नो know, दांतों से अपने जबड़े से उनको डराता है उनको एकदम अटैक करता है उनके ऊपर बट थी इज़ नॉट एबल टू डू एनी टाइप ऑफ नेचुरल एक्शन कुछ नहीं वो कर पा रहा है बिकॉज हिज लॉकड इन द सेल ही इज लॉक्ड इन द केस इज के ओके तो मैसेज इज ऑल्सो गिवेन थ्रू दिस पॉइंट माई डियर स्टूडेंट दैट पर्सन आ क्रिएचर कैन नॉट बी डिस फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटिट इफ इट इज डन इट बिकम्स अगर किसी के साथ भी ऐसा किया जाता है उसके प्राकृतिक नैसर्गिक प्लेस से उसको हटा दिया जाता है या माइग्रेट करके उसको ऐसी जगह पे भेज दिया जाता हो जाता है या लॉक कर दिया जाता है या उसको बंधन में रखा जाता है बिहाइंड दार्स सलाखों के पीछे बंधन में है वो अगर ऐसा होता है उसको बंधन में रखा जाता है तो उसका मतलब क्या है वो फ्री नहीं है वो खुश नहीं है ओके okay? हेल्पलेस है वो बेचारा है वो कुछ नहीं कर पा रहा है मजबूर है वो सो दिस इज द मैसेज दैट हैज बीन गिवेन थ्रू द पोइम द पोइट फील्स द टाइगर बिलोंग्स टू द वाइल्ड एंड दैट इज वेयर इट शुड रिमेन जंगली जानवर है जंगल में उसको रहना चाहिए था दिस पॉइंट प्रजेंट द टाइगर इन द टू डिस्टिंग सेटिंग्स नेचुरल हैबिटेट इन द केज फर्स्ट सेटिंग इज दैट ऑफ दू एंड इट द सेटिंग दैट द टाइगर इनहेबिट्स इन रियलिटी चिड़ियाघर में या उसका रियल प्लेस है कहाँ पर होना चाहिए था सेकेंड सेटिंग इज दैट ऑफ द फॉरेस्ट कहा होना चाहिए था उसे फॉरेस्ट में एंड इट इज द सेटिंग दैट द टाइगर हैज बीन टेकन आउट ऑफ उस बाहर लाया गया वहां से उसको नो लॉन्गर हैज एक्सेस टू एंड ऑल्सो द सेटिंग दैट दुड पोइट वुड लाइक द टाइगर नेट वंस अगेन द इज थिंकिंग द टाइगर शुड बी देयर वंस अगेन उसको केस से निकाल के वहीं भेजना चाहिए जो उसका नेचुरल हैबिटेट है तभी वो खुश रहेगा तभी ऑल द एक्शंस विच आर डेस्क्राइब दिस पॉइम वुड बी परफॉर्म बाय दिस टाइगर ओनली इन जंगल तब अपना प्राकृतिक जो भी इसके एक्शंस हैं जो मैंने आपको बताए, वो जंगल में करेगा तभी खुश होगा तभी दहाड़ेगा तभी शिकार करेगा तभी लोगों को डराएगा अदरवाइज ही इज हेल्पलेस ही इज सैड ही इज़ नॉट हैप्पी इन द केस एथ बिल्कुल हैप्पी नहीं है खुश नहीं है केस में बहुत दुखी है आपको अगर बंद कर दिया जाए कहीं से हटा के जेल में डाल दिया जाए तो आप भी दुखी हो जाते हैं तो टाइगर भी उसी तरह से दुखी है तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉइंट यू मस्ट रीड दिस पॉइम लाइन बाई लाइन माई डियर स्टूडेंट्स सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट वेल यू मस्ट रीड ऑल द स्टेंजर्स ऑफ द पॉइंट बट कीपिंग व्यू इन योर माइंड दट वाट इज द थीम ऑफ द पॉइंट द हेल्पलेसनेस द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट क्रिएचर इज गिवेन वेन ही इज पुट इन अदर इन द अदर प्लेस ये दिमाग में रखते हुए कि जिसका नेचुरल निवास कहाँ था अब उसको वहाँ से हटा के जबरदस्ती जब, जब बंधन में रखा जाता है तो उसको कैसा महसूस होता है तो यही आपकी पॉइंट की थीम है उसको आप समझ लीजिए ओके i have already sent uh, its uh, strangers to you question answers to you but some students have demanded to send them again i will send them again definitely no problem so please uh, read this poem at home and give your entire attention to understand it in proper manner okay thank you have a nice god bless my students